अब आपको बताएं, मौलाना सलाही ने कौमी असम्बली में आज होने वाले कानून साजी पर तनकीद की। ट्वीट में कहा कि शरीफ माफिया ने अरबों डॉलर भेजने वालों को इंतखाबी अमल से बेदखल कर दिया, अब सिर्फ मुल्क में मौजूद ओवरसीज को वोट की इजाजत होगी। मैसेज जान लेते हैं लियाकत अली से, जी लियाकत बताएगा। जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली में जो कानून साजी की गई है इलेक्शन एक्ट के तरमीम के हवाले से, उसको हद पे तनकीद बनाते हुए मुस्लिम लीग कायद आजम के मजबूत रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मौलाना सलाही ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल 2017 जो है वो तारा हकीकत समुंदर पर पाकिस्तानियों के इंतखाबी हकूक पर शबखून है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ मुल्क में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की इजाजत होगी। ई मेल से वोटिंग की जो सहूलत पहले पिछली गवर्नमेंट में दी गई थी उसको खत्म कर दिया गया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी काम बंद कर दिया गया है। मौलाना सलाही का कहना है कि शरीर माफिया ने अरबों डॉलर भेजने वाले लाखों पाकिस्तानियों को इंतखाबी अमल के बेदखल कर दिया है। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया।